नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईश्वर प्रसाद और आप देख रहे हैं इसी का मित्र फिर। एंड आज हमारा जो है दोस्तों मुंबई शिफ्टिंग का ब्लॉग है और हम जो है हाल ही फिलहाल में जो है दिल्ली से मुंबई रवाना हो थाने एरिया है, वहाँ से जो लोकल स्टेशन होते हैं वहाँ से हम यहाँ इस एरिया में आ गए हैं और बिना छत के यहाँ पे हम ऊपर चढ़ नहीं सकते। दिक्कत ये भी है कि यहाँ पे जो है मुंबई में आपको प्रॉपर छत नहीं मिलेगी जिस तरीके की हमें दिल्ली में छत मिली हुई थी। यहाँ पे जो भी यहाँ पे देख सकते हो पीछे भी हमारे जो भी घर है जो भी है, अब हाल ही फिलहाल में हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं और पता नहीं यहाँ का माहौल कैसा है। हमारे मित्र भी अभी कमी है हाल ही फिलहाल में शिफ्ट होने के कारण, और हम काफ़ी मिस कर रहे हैं यहाँ पे दिल्ली के जो लोग होते हैं, दिल्ली के जो हमारे दोस्त थे उन सभी को हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रोजेक्ट है कुछ आने वाले जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपने देखा होगा सुना होगा कि हमारा जो सॉन्ग है गोल सॉन्ग एक सोलो सॉन्ग और मैं खुद इसमें एज अ एक्टर लीड और एज अ डायरेक्टर उसमें काम कर रहा हूँ कि हमारा जो है एक सोलो सॉन्ग आने वाला है और उस सोलो सॉन्ग में मैं एज अ लीड काम करने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करो और काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है। मुंबई जो है हमें पहले पहले लग रहा था कि मुंबई का पानी जो हमें सूट नहीं होगा, जो हवा है मुंबई की वह हमें सूट नहीं होगी, लेकिन अभी हमें ये यकीन हो गया है कि दोनों शहर में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से मुंबई की हवा काफ़ी साफ सुथरी है। और वैसे भी आप कहीं पर भी देखोगे गवर्नमेंट या किसी भी सर्वे में तो मेरे हिसाब से मुंबई की हवा काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे अगर आप कभी विजिट करोगे मुंबई में तो आपको लगेगा कि हाँ ये सही जगह है। वैसे जो आपका थाने है वो एक मुंबई से सटा हुआ है, थोड़ा सा साइड में आएगा। आने वाले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ब्लॉग्स को हम बनाते रहेंगे और कुछ नए भी हम चीज़ें यहाँ पे लेके आएंगे आपके लिए। लाइक ब्लॉग्स के साथ साथ हम अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करने जा रहे हैं मुंबई में। मुंबई शहर है तो आप देख सकते हो किस तरीके की भीड़ है। अगर कैमरा भी हम उठा के चलेंगे कि तो लोग हमें जो है दोस्तों यहाँ पे धक्के खाते हुए चलना पड़ेगा। हमें जो यहाँ का जो ट्रैफिक है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा स्पेशली कि यहाँ का जो ट्रैफिक है काफ़ी मतलब भरा पड़ा है। इतनी सारी गाड़ियां हैं, लोग हैं, क्राउड है। अब सुबह का टाइम है दोस्तों, हम सुबह सुबह यहाँ पे आए हैं तो आप देख सकते हो कितने सारे ऑटो यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हो एक के बाद एक कई सारे ऑटो आप देख सकते हो। तो आते ही मुंबई में कई अनजान जगह पर आप जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, किसी दोस्त के घर पर या फिर रिलेटिव के घर पर आप रोक सकते हो। तो ये था अपना आज का ब्लॉग दोस्तों, और इसी एरिया में हम रहते फिलहाल हाल ही फिलहाल में, और अभी देखते हैं आने वाले दिनों में जो हमारा ऑफिस है अगर वो कभी शिफ्ट हो जाता है तो हमें भी अगर ट्रांसफर हो जाता है इन ऑफिस तो हमें जाना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुंबई है और मुंबई में ही हम रुकेंगे और जो एरिया है हमारा उसी एरिया में हम रुकेंगे। तो जो हमने कहा था कि आने वाले दिनों में हमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करने हैं दोस्तों, बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। आपका सपोर्ट ही सब कुछ रहेगा हमारे लिए आने वाले टाइम में। और आप देख सकते हो हमारे पीछे काफ़ी सारे भीड़, लोगों की भीड़ यहाँ पे। वैसे मुंबई में हमने अभी यहाँ पे एंट्री कर ली है तो आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि ये जो है मुंबई शहर जो है और जो पुरानी मुंबई है नई मुंबई है, तो दोनों काम देखेंगे, दोनों को एक्सप्लोर करेंगे आने वाले टाइम में। और अगर कहीं हमारी भूल चूक हो जाती है बात करने में, हम कहीं हम गलती कर देते हैं दोस्तों, तो हमें माफ़ कर दीजिए। हम जो है एक प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है, आई एम फिल्म मेकर और हम फिल्म बनाते हैं। बट द थिंग क्या है कि दोस्तों हमारा जो काम है कि हमारे काम का अपडेट आपको देना और आने वाले टाइम पे जो हमारे प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात करना, शॉर्ट फिल्म के बारे में जो हमारे आने वाली है। और आने वाले टाइम पे हम कोशिश कर रहे हैं, दो तीन स्क्रिप्ट रेडी है और प्रोडक्शन जो है हमारा यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं हम धीरे धीरे। और मुंबई में हम काफ़ी दिनों से हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं मुंबई में, आपको पता नहीं होगा लेकिन हमने काफ़ी सालों पे यहाँ से टच में हैं, जो हमारे हमारे जो सीनियर्स हैं उनके टच में हैं। तो आने वाले टाइम पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले दोस्तों, और इसी भीड़ में हमें चलना है
और इसी भीड़ से चलते चलते हम कुछ करने वाले हैं। और हमारा जो प्रोडक्शन है मुंबई में काफ़ी दिनों से हम काम कर रहे हैं मुंबई में, आपको बता दें। और आने वाले टाइम पे ये सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे से काफ़ी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, अभी टाइम हो गया है, आपसे अलविदा कहने का टाइम हो गया है दोस्तों। तो हम चाहेंगे हमारा जो चैनल एटी का मीटर फिल्म्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारा टाइम है आने वाला, उसमें आप हमें पूरी मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप हमें ऐसे ही लाइक करके रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे आने वाले सारे वीडियोस को देखते रहिए। मुश्किल हो जाता है जब एक किसी अनजान शहर में आप ब्लॉगिंग कर रहे होते हो और आपको पता नहीं है कि आप कौन से जगह पर जा रहे हो। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पी का मीटर फिल्म्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब पी का मीटर फिल्म। तो थैंक यू गाइस।